प्रभातम्। सदा स्नेहमयी, सदा सहिष्णु मेरी माता जैसी महान आत्माएं बार बार इस धराधाम पर अवतार नहीं लेती। मेरे पिताश्री के मृत्यु के उपरांत अनंतर धनाभाव, पैतृक मकान से निष्कासित किया जाना, अवैधानिक रूप से संपत्ति से वंचित किया जाना, पुत्री योगेंद्र बाला की आत्महत्या, मेरा संन्यास ग्रहण, मंजले भाई महेंद्रनाथ का बिना कुछ समाचार दिए इंग्लैंड चले जाना, छोटे भाई भूपेंद्रनाथ का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान, इन सब के बावजूद मेरे माता के चारित्र में धैर्य, सहिष्णुता एवं तेजस्विता सदैव विकसित ही होते रहे। वर्ष 1900 में कलकत्ता में भीषण वर्षा हुई। लगातार वर्षा के कारण ठाकुर जी की महासमाधि का क्षेत्र काकुड़गाछी संपूर्ण जलमय हो गया। मेरी माता ने क्रांतिकारी छोटे भाई भूपेन को आज्ञा की, भूपेन काकुड़गाछी परिसर के श्रमिकों को जरा यह सीधा सामग्री देकर तो आना। बेचारे श्रमिक ना जाने कितने दिनों से भूखे ही होंगे। माँ की आज्ञानुसार बिना हिचकिचाए कमर भर पानी को पार करते हुए भूपेंद्रनाथ ने सीधा सामग्री उन श्रमिकों तक पहुंचाई। तत्पश्चात राजद्रोह के आरोप के चलते भूपेंद्रनाथ को एक वर्ष का सश्रम कारावास का दंड घोषित हुआ। सिस्टर क्रिस्टिन द्वारा जमानत देने पर भूपेन मुक्त हुआ और छद्मवेश धारण कर वह अमेरिका की यात्रा के लिए निकल पड़ा। पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते बेलूर मठ पहुंच गई, किंतु उन्हें कोई भी सुराग ना मिल पाया। कलकत्ता की कुछ महिलाओं ने साहसी पुत्र की माता होने पर भुवनेश्वरी देवी को वीर माता संबोधित कर उनका अभिवादन किया। तब मेरी माता ने कहा, मेरे भूपेन का कार्य तो अभी अभी कहां आरंभ हुआ है, मैंने तो उसे देश की सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया। कितना श्रेष्ठ समर्पण भाव था। ठाकुर जी की महासमाधि के पश्चात मैंने संन्यास ग्रहण किया। शीघ्र ही श्री माँ का आशीर्वचन लेकर मैं परिव्राजक के रूप में भारत परिक्रमा पर निकल पड़ा। कन्याकुमारी से मैं चेन्नई पहुंचा। यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग मुझसे विशेष आकर्षित हुआ। कुछ नवयुवकों ने मुझसे प्रार्थना की, स्वामी जी आपसे विनती है, आप शिकागो के धर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व अवश्य करें, हम घर घर जाकर आपके लिए चंदा एकत्रित करेंगे। चेन्नई में मेरा निवास मन्मथ बाबू के घर पर था। एक दिन मैंने रात को सपने में देखा, माता भुवनेश्वरी देवी का देहांत हो गया। मैं अत्यंत उद्विग्न और उदास हो गया। दुख की तीव्र संवेदना मेरे हृदय में जागी। मद्रास के सभी मित्रगण मेरी अमेरिका यात्रा की आस लगाए बैठे थे, किंतु माता का कुशल समाचार प्राप्त होते तक मेरा ध्यान कहीं भी नहीं लग रहा था। आखिर मन्मथ बाबू ने कलकत्ता में तार भेजी, किंतु प्रत्युत्तर के अभाव में मैं बहुत बेचैन था। मन्मथ बाबू को मद्रास के बाहर शमशान निवासी एक पिशाच सिद्ध योगी की जानकारी थी। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी हम शमशानवासी गोविंद चट्टी के पास अवश्य जाएंगे, साथ में हम अलसिंगा पेरुमल को भी ले जाएंगे, ताकि गोविंद चट्टी तमिल में जो कुछ कहेगा हम उसे समझ पाएंगे। हम मद्रास के शमशान में पहुंचे। गोविंद चट्टी ने मेरा
नाम एवं गोत्र पूछा। फिर पेंसिल द्वारा काफी कुछ समय तक वह लिखता ही रहा। मेरे 14 पीढ़ी की जानकारी उन्होंने मुझे दी और कहा, स्वामी जी आप चिंता ना करें, आपकी माता स्वस्थ एवं सुकुशल है। बाद में यह भी कहा कि आपके गुरु भगवान श्री रामकृष्ण जी सूक्ष्म रूप से आपकी रक्षा कर रहे हैं। गोविंद चिट्टी ने यह भी भविष्यवाणी की, स्वामी जी धर्म प्रसारार्थ आपको विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी। आगे चलकर शिकागो की धर्म सभा ने मुझे युगनायक के रूप में महामंडित किया। ठाकुर जी का शिष्य होने के नाते समस्त सांसारिक बंधनों से मैं मुक्त हुआ, किंतु मेरी सुमाता के निस्वार्थ स्नेहपाश से मुक्त होना मेरे लिए सर्वथा असंभव था। झंझावाती सन्यासी की उपाधि से भले ही मैं प्रसिद्ध हुआ, किंतु माँ की सेवा पूर्ति की अभाव से मन में उठने वाले तूफान का क्षमन करना मेरे लिए सर्वथैव असंभव था। शिकागो से लौटने के बाद मेरी विजय यात्रा का अवलोकन मेरी माता कर रही थी। मैं उसे घर ले गया और माँ से मैंने हट किया, माँ आज तो तुम अपने बीले को अपने हाथों से खाना खिलाओगी। मेरा यह बाल हट्ट भी माता ने पूर्ण किया। एक बार बेलूर मठ से मैं भुवनेश्वरी देवी को मिलने घर पर गया। माता श्री का भोजन हो चुका था, सारे बर्तन खाली थे, घर में अन्न का एक कण भी शेष ना था। माँ की झूठी थाली मैंने देखी, उसमें केवल सहजन सब्जी की एक डंठल का टुकड़ा मुझे दिखाई दिया। मैंने अपूर्व आनंद से माँ की थाली के उस टुकड़े का प्रसाद रूप में सेवन किया और तृप्त होकर डकार दी। जूनागढ़ के दीवान हरिदास देसाई को पत्र लिखते समय स्वामी जी कहते हैं, संपूर्ण विश्व में यदि किसी से मैं प्रेम करता हूँ तो वह है मेरी स्नेहमयी सहिष्णु माता भुवनेश्वरी देवी, जिसके ऋण की पूर्ति की क्षमता मुझ में नहीं है। चेतन अचेतन रूप से मेरे पास जो कुछ है वह सब मेरी माता की देन है। भूतल पर अवतरित ईश्वर अवतार माता भुवनेश्वरी देवी तथा युगनायक स्वामी विवेकानंद जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।